नमस्कार, जगदूत न्यूज में मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज। शहर के लोहा पट्टी शिवाला रोड में बूढ़ा नाथ शिवाला मंदिर में चोरी हुई। खगड़िया से बंटी कुमार के साथ प्रिंस कुमार की खास रिपोर्ट। जी हां, खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र के शहर में लगातार चोरी की आतंक बढ़ती जा रही है। आए दिन शहर से चोरी की खबर आ रही है। शहरवासियों का कहना है कि रात्रि में गश्ती कम होने के कारण ऐसी घटना प्रायः होती रहती है। विशेष जानकारी के अनुसार दिनांक 2 जनवरी 2021 के रात्रि में लोहापट्टी रोड स्थित बूढ़ीनाथ शिवालय मंदिर में चोरों ने घंटी का सफाया कर दिया। हम आइए बात करते हैं मंदिर के पंडित से कि वो किस प्रकार की जानकारी देते हैं। शालिग्राम में आपका घर सनहोली। और ये मंदिर कहाँ पे है? मंदिर तो ये सागरमल चौक लोहापट्टी लोहापट्टी वार्ड नंबर 10 वार्ड नंबर 10 में। हाँ। क्या हुआ इसमें? ताला तोड़ करके घुस करके ताला तोड़ करके घंटी ले लिया। ठीक है, समय है, सब सोए हुए थे। अच्छा, रात का समय है, पता नहीं चला जागल बल कौन रहेगा। सब सोया हुआ था। क्या जानकारी क्या करे? दुर्गा स्थान का गाय भेगलो 25 दुर्गा स्थान का दो दो 15 किलो का दो घंटी चोरी हुआ। 25 किलो का 8.5 किलो का चोरी हो गया। 15 दिन में दो बार दुर्गा स्थान में हो गया। अध्यक्ष को बोले थे उस मंदिर के लिए, मंदिर अध्यक्ष बोले कि नहीं बोल दिए। अच्छा, इतने को बात कहता है आपको, उसको क्षण मिन कुछ नहीं हुआ, कोई तरह चका चुकी नहीं हुआ, मतलब कोई मतलब व्यवस्था कार्रवाई कुछ नहीं हुई। यहाँ पर क्या घंटी था? यहाँ एक घंटी था। अच्छा, और अच्छा इसमें दो घंटे लगा होगा। शाम को आरती होता था। आरती होता था। अच्छा, और कुछ सामान कितने कितने दिन पहले दुर्गा स्थान का? 20 दिन पहले, 15 दिन पहले। दो बार हुआ दुर्गा स्थान का, 2 बार। अच्छा, तो आपने देखा कि बूढ़ा नाथ शिव जी मंदिर में चोरों ने चोरी कर ली और अन्य सामान भी चुराई। कुछ लोगों का कहना है कि बगल के नवयुवक दुर्गा मंदिर में भी भद्दूलाल व्यायामशाला के पास ही वहां की कुछ दिनों पहले सोमवार को लगभग 5 किलो का 3 घंटी चुरा लिया गया। आपको बता दें कि शहर में कुछ गिरोह भी लगातार सक्रिय हो रही है, जिसमें कम उम्र के बच्चे भी शामिल हैं। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि लड़का कैसे ग्रिल पर चढ़कर एलईडी बल्ब चोरी कर रहा है। आए दिन इस प्रकार की खबर से लोग परेशान हैं, शहरवासी हलकान में हैं। अब बहरहाल यह देखना होगा कि पुलिस व उनके आला अधिकारी व शहरवासी किस प्रकार से इस मंदिर की सुरक्षा व अपनी सुरक्षा व मोहल्ले की सुरक्षा कर पाते हैं। आए बने रहें जगदूत न्यूज़ पर।